огне, кто читает свои сны, поклоняюсь в темноте. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. मैं हूँ आपका दोस्त आर्यन राजन के लिए माइनक्राफ्ट। तो पिछले एपिसोड में हम जब मैं ये विलेज ढूंढा था तो वहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया है स्नैक करने का एरिया। तो इस एपिसोड में हम लोग माइनिंग करने जाएंगे। तो लेट्स गो। तो मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, ये कर लेते हैं। ओके, तो सब हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या दिखाने वाला था आप लोगों को। तो यहाँ पे शिप रेक जैसा कुछ तो है और यहाँ पे नीचे रवीन है। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शायद एक चेस्ट, ये वाला चेस्ट है, इसके अंदर डायमंड है। हमारे पास एक डायमंड भी है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेफ मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे ढेर सारा पानी डालूंगा इसके अंदर, यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि मैं गिरते गिरते बच सकता हूँ। और एक वाटर बकेट बनाएंगे हम लोग। ये हमारे पास जितना ये सब कुछ जो है लेट्स गो फॉर माइनिंग। एक सॉर्ड बना लेते हैं अपने लिए। सॉर्ड के बाद में हमें चाहिए वुड। वुड कहाँ से मिलेगा? लेट्स सी, वुड तो नहीं है यहाँ पे। हम लोग ये तोड़ देते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, कुछ पिकैक्स बना लेते हैं। ओके, एक या दो पिकैक्स बहुत होंगी। ओके, दो पिकैक्स, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें रख लेते हैं। दो पिकैक्स यहाँ पे, एक शील्ड बना लेते हैं हमारे पास। इसे ये शील्ड ऐसे ही बनाते, यप शील्ड। और एक बना लेते हैं हमारे लिए आयरन बकेट। लेट्स सी, हम लोग ये है, ये भी तैयार है। कॉबल स्टोन रख देते हैं। ब्रेड हमारे साथ ज़रूरत पड़ेगी हमें ब्रेड की, फिर भी आधी ब्रेड छोड़ देते हैं यहाँ पे। बकेट की ज़रूरत है। ओके, आयरन रख देते हैं, गोल्ड भी रख देते हैं। ओके लेट्स सी, हम लोग रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। कुछ टॉर्चेस बना लेते हैं अपने लिए। ओके नाइस, 15 टॉर्चेस। ओके, थोड़ा और बना लेते हैं। नाइस, लेट्स सी, शील्ड स्वॉर्ड भी रेडी है, फूल वगैरह सब साइड में। टॉर्चेस यहाँ पे, आयरन पिक एक्सेस, छोटी छोटी पिक एक्सेस किधर है? ओके, एक ये वाली पिक एक्स है, कुछ नॉर्मल स्टोन पिक एक्स क्या मैं, अच्छा रहेगा कुछ स्टोन। यानी कि हम लोग थोड़ा सा स्केयर करके यूज करेंगे। और नाइस, डन। ये वुडन रख देते हैं। लेट्स गो।
डायरेक्टली जाने से अच्छा मैं सोच रहा था चेकिंग में नीचे। ओह ऐसे कूल है। पहले टॉर्च लगा देते। डबल टॉर्च लग गई। ओके तो यहाँ से नीचे जाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकते तो यहाँ से खोदते खोदते हम नीचे जाएंगे। एक्सपेक्टेड हमें शवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है उड़ाएंगे। मैं वापस ऊपर आते समय बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसे हाईली चांसेस लग रहे हैं। और ये पूरा अंधेरा वाला एरिया है तो मेरे को ऑलरेडी गारंटी लग रही है कि कोई ना कोई हमें पक्का पकड़ के मारने के पीछे पड़ा होगा। ओके थोड़ा सा टॉर्च। ओके हमें आयरन से मिलना स्टार्ट हो चुका है। और आई गेस हमें मिली है। सारे मॉब्स की आवाज आ रही है। करना पड़ेगा पहले।
ऑनर को बंद करने के लिए हमें उधर जाना पड़ेगा। वाह, एक स्पॉनर कम था कि भाई दूसरा स्पॉनर भी इधर ही है। ओके स्पाइडर का स्पॉनर तो आयरन लेके यहाँ से निकल गए भाई। ओके कुछ नहीं है।
निकलना है कैसे तो भी करते हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे भाई। इतना तो पक्का है कि यहाँ पे पानी की आवाज आ रही है। पानी स्टार्टिंग को भी थोड़ा सा इजी मिल जाता तो अच्छा होता। ऊपर जाते हैं हम लोग। हम लोग फिर और तैयारी करके आएंगे और ऊपर से रात भी हो रही है। वाह मेरी किस्मत। ओके सो यहाँ पे हम लोग छोटी सी स्टेयर बना लेंगे हमारे लिए नाइस करके। यानी कि हम लोगों को वापस जब भी आना होगा हम लोग ये एरिया पकड़ के आएंगे। यहाँ पे पहले टॉर्च लगा देते वरना यहाँ पे भी कोई ना कोई स्पॉन हो जाएगा। ओके टेंशन की बात नहीं है। इधर भी बहुत सारा आयरन है। फिर कभी आएंगे बच्चा कुछ आयरन लेने के लिए। कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज मिल गई है हमें लेकिन गलत टाइम पे मिली है। हमें जाना है वापस। यस दिस इज द राइट वे। बस अभी ऊपर कैसे जाना है ये सोचना पड़ेगा। ओके हमारे पास मटेरियल्स खत्म हो गए। ये काम चलाएगा। ये कुछ भी काम चलाए स्टेयर बन गए बहुत। फाइन
यस फाइनली हम लोग ऊपर आ गए। पहले बंद करो वापस तो आ गए एटलीस्ट। भाई इसके लिए पूरी तैयारी करके आना पड़ेगा। सो लेट्स सी हमारे पास है डायमंड 15 आयरन ओर है। हाँ? फिर हमें शायद इन लोगों से ही ट्रेडिंग कर करके कुछ ये करना पड़ेगा। आई थिंक सो यस। हाँ? यहाँ पे ये है कोई आर्मर और जो यहाँ पे फार्मर्स बहुत सारे। प्लेन लैंड है ना, प्लेन विलेज। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 5 एमरल्ड है और 1 डायमंड है। ये बेचारे पे तरस आ रहा है इनको। ओके ये भी ज्यादा कुछ अच्छा खासा नहीं दे रहा है मटेरियल। और क्या कर सकते हैं हम? तो हम लोगों को एक अच्छी खासी जमीन मिल चुकी है खतरनाक वाली। पहले एक फर्नेस की तरह फर्नेस हमें फर्नेस बनाना पड़ेगा। आई थिंक सो यस हमें फर्नेस बनाना पड़ेगा। ओके टीम फर्नेस हम लोग ने बहुत सारे ये बनाएंगे मॉडल जैसे जो क्या कहते हैं उसे नाम याद नहीं आ रहा मुझे। स्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। यस नाइस। ओके कोल कहाँ पे हमारा? ओके नाइस कोल के टुकड़े करते 3 इसमें जाएंगे 3 इसमें जाएंगे और 3 इसमें जाएंगे। नाइस। सो लेट्स सी यहाँ पे खेती है हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है खाने की। तो फार्मो क्या बच रहा है? फार्मा 1 एमरल्ड पे 6 ब्रेड 15 बीटरूट पे 1 ट्रे। वाह 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 वाह। यहाँ का किधर है बंदा? ये ब्रीवर ब्रीवर किधर है? अब तक मेरे को ब्रीवर नहीं दिखा। ये अपना स्टोन मेसन मामा। अब मामू लोग ये ब्रीवर किधर है तुम्हारा? इनके पास ब्रूअर ही नहीं है। ब्रीविंग स्टैंड है लेकिन ब्रूअर नहीं है। फिशरमैन तक है। वाह नाइस। तो हमें देखना पड़ेगा कि आयरन फार्म बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। सो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। That's it for today guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको भी मेरे साथ खेलना है तो मैं एक सर्वर बना सकता हूँ तो हम लोग साथ साथ खेल सकते हैं सब लोग। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग इंटरेस्टेड है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।